ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम परहेजगार बनो गिनती के कुछ दिन, फिर जो कोई तुम में बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में तादाद पूरी कर ले, और जिनको ताकत है तो एक रोजे का बदला एक मिस्किन का खाना है। जो कोई मजीद नेकी करे तो वो उसके लिए बेहतर है, और तुम रोजा रखो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानो।